वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज से मेरे मिड सेम एग्जाम स्टार्ट है, लास्ट मिड सेम एमएससी थ्री है, इसलिए सिलेबस कम है, कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, जो 50 मार्क्स है उसमें, इसलिए टेंशन भी नहीं हो रही, क्योंकि MSc 1 MSc 2 में लगभग मार्क्स डिसाइड हो चुके हैं, LA 1 LA 2 के मार्क्स लग चुके हैं, तो अब MSc 3 से कितना ही बढ़ जाएगा। मैथ में 38 सी आई है मेरी, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 40 प्लस होनी है, और सर ऐसे हमारे मैथ के कि मार्क्स आराम से दे देते हैं, कुछ भी लिख के आओ मार्क्स मिल जाएंगे, तो मैथ में ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा बहुत कल रात को किया था, अभी वही रिवाइज़ करूँगा। रिवाइज़ वो ऐसा है कि 5 से 10 मिनट में सारा रिवाइज़ हो जाएगा, मैं इतना ही पढ़ाऊँ। अभी 1 घंटा बाकी है, तो जाके तैयार होके फिर एग्ज़ाम देने जाता हूँ। तैयार हो चुका हूँ एग्जाम में जाने के लिए, मेरे को लैब में जाना है, अब लैब दूर है इसलिए प्रॉब्लम है। एग्जाम दे के आऊंगा अभी, 1 घंटे में एक घंटे एग्जाम चलेगा, उसके बाद आऊंगा, फिर कनाडा के लिए पढ़ना है। मैथ ख़त्म हो गया, मैथ में मेरे आएंगे 15 मार्क्स आ जाएंगे। मैं 7-7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करके आया हूँ, एक और थोड़ा सा करके आया हूँ, तो ये 3 क्वेश्चन करके आया हूँ, बाकी आसान ही था मैथ। टोटल 6 मार्क्स जो इसके जुड़ने वाले हैं, उसमें से 3 जुड़ेंगे मेरे, 3 मार्क्स कट रहे हैं, उसका भी कोई ऐसे ज़्यादा दुख नहीं है। अब है कन्नड़ा का, कन्नड़ा में मेरे को नहीं पता क्या पढ़ना है, बट मैं ट्राई करता हूँ, अभी PDF खोल लूँगा और उससे देखूंगा। हर बार क्या होता है ना, कन्नड़ा में ऐसे पूरी क्लास साथ में करती है, लेकिन अभी लैब में बैठे हैं तो लैब में ऐसे नहीं हो सकता। आधी क्लास को कन्नड़ा आती है, लेकिन वो बता नहीं सकते बाकी आधी क्लास को। फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, ये जो क्वेश्चन है ये मैं करके आ जाऊंगा, और इतनी कोई वेटेज भी नहीं है MSc 3 की। कन्नड़ा तो आसान है, हो जाएगा, मतलब ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। 15 मार्क्स के ऐसे हैं जिसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो ऑप्शंस के साथ आसान होता है। कल डाटा माइनिंग का है, उसमें भी मेरी CI ठीक है, अभी 41 है, तो अगर 1-2 मार्क्स भी बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते सही है, मतलब जितनी भी है सही है उसमें CI, बाकी सब्जेक्ट्स की देखनी पड़ेगी। DBMS है, DBMS में भी मेरी अच्छी है, तो कल दोनों जो एग्ज़ाम है उसमें मेरी CI अच्छी है, तो 50 में से जो मार्क्स अभी बन रखे हैं वो सही है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं फुल मार्क्स लाया तो 6 मार्क्स और बढ़ सकते हैं, अगर नहीं भी बढ़े दोनों में तो भी प्रॉब्लम नहीं है। कन्नड़ा का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि तुक्के ही मार के आया हूँ, मेरे को खुद नहीं पता कैसा हुआ है। तुक्के मार के ठीक है, ठीक मार्क्स आ जाएंगे, बाकी कल जो एग्ज़ाम है उसमें CI अच्छी है दोनों में, तो वो प्रॉब्लम है नहीं। अभी जाके सोऊंगा, उठ के फिर तैयारी करूंगा, रात हो जाएगी तब थोड़ा सा पढ़ के कल फिर एग्ज़ाम देने जाऊंगा। दूसरा दिन, ये है 4th सेमेस्टर की MSc 3 का दूसरा दिन। अभी मैं डाटा माइनिंग का एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ, और उसमें वैसे जैसा मैंने पहले बताया कि मेरी उसमें CI अच्छी थी, और अब भी मेरे 50% मार्क्स आ जाएंगे, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अगला है DBMS जो कि 3 घंटे बाद है, उसका भी मैं अब तक नहीं पढ़ाऊँ, तो अभी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक वीडियो बनानी है, रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए मेरे को कॉलेज के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी है, फिर रिकॉर्ड करनी है, एडिट मैं जब वो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद करूँगा, रिकॉर्ड अभी कर लेता हूँ। मैं रेडी हो चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए, यही सेटअप रहता है मेरा, अगर कॉलेज रिव्यू बनाना है तो ऐसे ही बैठ के वीडियो बना लूँगा, और फिर एडिट करके शाम तक रात तक, मतलब अपलोड कल होगी, अनलिस्टेड लिंक पहले भेजना होता है तो वो भेजूँगा, वरना अभी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ जो कि करियर कॉलेज का रिव्यू है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। चलिए
वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, ये शाम तक एडिट करके डालनी है। जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया कि कितने मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो 15 मार्क्स मैं मैथ में एक्सपेक्ट कर रहा था, वो उतने ही आए हैं अभी अपलोड किए हैं सर ने। अब देखने जाने नहीं, मेरे को पता है मैं कितना करके आया था, कितने आ सकते हैं, और सर मार्क्स दे देते हैं। मैं 15 का करके आया, सर ने 15 ही मार्क्स दिए हैं। अभी DBMS के लिए पढ़ना है, वो शुरू करूँगा। 4 PDF है टोटल, मैंने अब तक खोल के भी नहीं देखा, लेकिन आसान ही होगा जितना भी मैंने सुना है अब तक। आज के दिन का जो दूसरा सब्जेक्ट है DBMS, उसकी भी तैयारी हो गई, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। अब इसमें मैंने कितने देर पढ़ाऊँ, 30 मिनट या 40 मिनट पढ़ाऊँ? कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने किए हैं। अब MSc3 है तो एक चैप्टर है 30 ही मार्क्स का है, तो उसकी जो है जितने टॉपिक्स हैं लगभग सारे आ ही जाते हैं, इसीलिए कुछ भी पढ़ के जाओ आ ही जाएगा। कितनी भी PDF थी उसमें से, जो बड़ी बड़ी PDF थी तो उनकी रीडिंग ली है, एक PDF अच्छे से की है, तो मेरे हिसाब से एक या दो क्वेश्चंस तो हो ही जाने चाहिए। बाकी कैसा हुआ वो मैं आपको आके वापस बताता हूँ। एग्ज़ाम देके भी वापस हॉस्टल जा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस हो गए जितना मैं पढ़ के गए उतने में हो गए। अब मार्क्स कितना है इसके मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। कल जो दो एग्ज़ाम उनकी CI मेरे को भी पता नहीं है कितनी है, देख के मतलब उनकी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरी CI शायद एक सब्जेक्ट में कम थी, उसका नाम याद नहीं है मेरे को, बाकी सब्जेक्ट्स में अभी देखूँगा। रूम जाके अभी तो एक बार वीडियो एडिट करके, क्योंकि वो अपलोड करनी है, अनलिस्टेड लिंक भेजना है, इसलिए वो डालूँगा, वरना पढ़ूँगा फिर शाम से ही रात से ही। अब रूम आते आते अपनी CI देखाऊँ, कल के जो दोनों एग्ज़ाम्स उसमें पहला है डा, उसमें मेरे है अभी 29, तो ये भी कम है। दूसरा सब्जेक्ट है AI, तो उसका CI अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, वरना MSc1 में उसमें अच्छे मार्क्स आए थे 12 में से 11, क्योंकि वो MSc1 सर ने चेक किया था, शायद HOD सर थे उन्होंने। MSc2 मैम ने चेक किया, मैम ने बहुत कम मार्क्स दे रखे हैं, 2.5 है या 9 है ये अच्छे से याद नहीं है मेरे को, 12 में से 2.5 या 9 इतने दे रखे हैं। मतलब ये है कि दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा, किसी को मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता। तीसरे दिन, आज है Day 3 MSc3 का, और मैं जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ, अभी एग्ज़ाम शुरू होने ही वाला है 2 मिनट में, और अब तक मैं रूम पे ही हूँ, तो अभी जल्दी से तैयार होके जाता हूँ। तैयारी हो चुकी है मेरी एग्ज़ाम की, मतलब 20 मार्क्स की हो चुकी है, उतना काफ़ी है। ठीक है, वापस फिर मैं एग्ज़ाम के बाद मिलता हूँ, अभी देने जा रहा हूँ जल्दी, 2-3 मिनट लेट होगा, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो, लास्ट तक मैं बहुत कम बैठे रहता हूँ, लेकिन आज लेंदी लग रहा था एग्ज़ाम, शायद था अभी, पता नहीं, मेरा जो तरीका जो मैं सीख के गया था यूट्यूब से, उससे बहुत टाइम लग रहा था, और पता नहीं सही भी करके आया हूँ या नहीं। जो मैं तरीका यूट्यूब से सीख के गया था, शायद उसके कारण लंबा लग रहा था, वरना सब यूट्यूब से ही करके गए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे तो पहले उठ के चले गए थे। जो भी है, छोड़ो इस एग्ज़ाम को, अगला है AI का मेरे को समझ आया, ठीक है, कि आज अगर मैं पूरे मार्क्स भी ले आया, तो जो 100 मार्क्स में टोटल कंट्रीब्यूशन है, वो उनका 3 मार्क्स का ही होगा, जो कि जनरली MSc3 में कम होता है, वो होता है 6 मार्क्स का, इसमें 6 से भी आधा होगा, तो थोड़ा अजीब लगता है पढ़ते हुए, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा पढ़ के जाऊँगा। 3 में से अगर 1 या फिर 2 मार्क्स आ जाते हैं तो अच्छा है, पढ़ना ना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। एक आज बुधवार है तो इडली थी सुबह, इसलिए मैं गया नहीं, और इडली मेरे को पसंद नहीं है जो MS में बनाते हैं, वो जो बाहर खाई थी वो तो अच्छी होती है, मैस वाले पता नहीं क्या ख़राब बनाते हैं, तो अभी ये लेके आया हूँ। मतलब मैस में अभी जाना है कितनी देर बाद, 1.5 घंटे बाद अभी मैस जाना है, तो तब तक का तो पेट इससे भर जाएगा। अभी AI का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तैयारी मैंने इसकी भी बहुत कम देर की है, मतलब एक ग्राफ है वो देखा, उसके आसपास का न्यूमेरिकल है, अगर वो आया तो शायद कर लूँगा, बाकी पता नहीं क्या है इसमें। मेरे को PDF जो मैंने देखी उसको देख के समझ नहीं आ रहा, इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा कैसे, बाकी वापस आके बताता हूँ।
AI की भी MSc हो गई, अभी मैं दे के ही आया हूँ। और बताऊँ सिचुएशन क्या थी, सब बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं आता, मैं मेरी जगह कहाँ है जहाँ मेरे को बैठा रखा है सबसे आगे, तो मेरे को ऐसे पूरी क्लास दिखती है, मैं पूरी क्लास की तरफ देख रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं आता, सब बस एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं पूरे टाइम। क्यों? क्योंकि जो PDF से मैं पढ़ के गया उससे मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अब ऐसा भी नहीं है खाली छोड़ दूँ तो कुछ ना कुछ लिख के ही आया हूँ, ना मैं करके गया था लिख के वही आया हूँ, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो मैं वो लिख के आया हूँ, और एक दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें क्वेश्चन ही मैं वापस लिख के आ गया हूँ। मार्क्स मिलेंगे तो ठीक है, वरना 4 मार्क्स के लिए क्या करना। और अब आते हुए लेके आया हूँ मैं ये भेल, जो वहाँ पे बेकरी के सामने मिलता है, इसकी भेल मैं कभी ट्राई नहीं किया हूँ क्योंकि लंच नहीं किया था, इसलिए इतनी सी भेल है। चौथा दिन, आज है लास्ट डे MSc 3 का, अभी मैं क्लाउड का एग्जाम देने जा रहा हूँ। अब तैयारी ऐसी है कि कितना भी तैयारी कर लो, मैम को मार्क्स 15 ही देने हैं या फिर उससे भी कम देने हैं, मैक्सिमम 15 है, तो उस हिसाब से तैयारी किया हूँ। इसमें CI भी कम है मेरी, LA के मार्क्स अभी डले नहीं है, LA में भी मैम कम ही देगी मार्क्स, CI अब तक 11 ही है MSc 1 MSc 2 मिला के। क्लाउड का पेपर दे के भी आ गया और मैं लिख के आया हूँ 30 नंबर का लिख के आया, और कोई टीचर होता 25 से ऊपर दे ही देगा, कंसीडर करते हुए कि मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है और मैं थोड़ा लिखता भी ख़राब तरीके से हूँ, फिर भी 25 से ऊपर दे देगा। अब मेरे को पता है क्लाउड में मेरे 15 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि मैम उतने ही देगी, लगभग चाहे मैं पूरी ब्लू बुक भरा हूँ 15 के आसपास ही मार्क्स आने हैं, लेकिन मेरा जितना हो सकता था मैंने ट्राई किया लिखने का। अभी अगला BA का है, लेकिन उससे पहले एक और कॉलेज रिव्यू रिकॉर्ड करना है, और वो सोच रहा हूँ अभी कर लेता हूँ क्योंकि अभी टाइम है। BA में तो क्वेश्चंस पता है कौन से आने वाले हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये जगह सही, इन चीज़ों को थोड़ा साइड करो, यहाँ पे लैपटॉप रख के, यहाँ पे फ़ोन अटका के, वहाँ पर रिकॉर्ड करो, नेचुरल लाइट भी है तो वो भी दिक्कत नहीं है। अभी लास्ट MSc है BA की, जिसमें हमें क्वेश्चंस बता दिए गए हैं कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक 14 पेज की PDF है, जिसमें आधे पेज तो न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि 5 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे, बाकी आगे थ्योरी है जो कि मैंने ऊपर ऊपर से देखी है। अभी मेरी CI है 32, जिसमें LA के मार्क्स नहीं जुड़े हैं, LA के मार्क्स जुड़ जाएंगे 40+ हो जाएगी। इसमें भी मैं 3 मार्क्स तो मान के चल रहा हूँ, 3 मार्क्स से ऊपर ही आ जाएंगे, 4 भी आ सकते हैं, टाइम बचा है बहुत ज़्यादा, तब तक आराम से बैठा हूँ, जाने से पहले 5 मिनट पहले बस न्यूमेरिकल रिवाइज करूँगा और फिर एग्जाम देने चले जाऊंगा। एग्जाम के बाद एक्सपेक्टर की मीटिंग है तो उसमें भी जाना है। अभी देने जा रहा हूँ BA का एग्जाम, तो अभी प्लान बनाया कि बाहर एग्जाम खत्म होते ही बाहर जाऊंगा, कुछ खाऊंगा क्योंकि लंच नहीं कर पाया और भूख भी लगी है, तो देखता हूँ क्या खाऊंगा। एक तो मीटिंग भी है उसकी भी प्रॉब्लम है, तो अगर टाइम मिल पाया तो बाहर जाऊंगा, खाऊंगा और वापस आऊंगा। लास्ट MSc भी ख़त्म हो गई और उसमें आ जाएंगे 30 मार्क्स आ जाएंगे। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैम के पास गया था और मैम ने जो सुबह एग्ज़ाम हुआ था वो भी चेक हो गया, मार्क्स फाइनलाइज करने गया था, तो अटेंडेंस तो नहीं बढ़ी सब्जेक्ट में, लेकिन मार्क्स मैम ने 21 मार्क्स दे दिए, जिसमें मेरे को 15 की उम्मीद थी, मतलब अब तक मेरे उसमें 15 से ज़्यादा आए नहीं है उस सब्जेक्ट में। पिछले सेमेस्टर भी एक सब्जेक्ट मैम ने लिया था तो उसमें भी 15 से ऊपर नहीं आए थे, इस बार 21 दिया मैम ने, तो टोटल मेरे उसमें CI बनी है 30, जो कि मेरे को इतने की भी उम्मीद नहीं थी, तो उस हिसाब से ठीक है। फिर एक्सपेक्टर की मीटिंग के बाद अब मैं वापस रूम पे आया हूँ, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाय।